जूम करना वहां तक के। क्या निकाल रहे ना ये पूरी मैंग्रोव निकाल रहे ना मैंग्रोव ये पूरा मैंग्रोव निकाल रहे हैं तुम्हारे हाथ आएगा ना। अरे मैं तो निकाल रहा ना, मैं निकाल रहा है खड़े रह के ये पूरा इन लोग अनलीगल काम कर रहा है इधर पे मैंग्रोव का झाड़ पूरा मैंग्रोव निकाल रहा है यहाँ पे पूरा ये यहाँ से निकाल रहा है इधर पे ये अनलीगल काम कारोबार यहाँ चल रहा है ये पूरा मैं हूँ सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं परा टाइम्स। मुंब्रा में रेती माफियाओं का खाड़ी से रेती निकालने का काला कारोबार जारी है। ऐसा नहीं है कि इन रेती माफियाओं के खिलाफ किसी ने शिकायत न की हो। शिकायत करने के बावजूद मुंब्रा क्रिक चूहा पुल देसाई खाड़ी यहां से अवैध रूप से रेती निकालने का काला कारोबार जारी है और मैंग्रोव को भी नष्ट किया जा रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता आरिफ नवाज इराकी ने इस रेती माफियाओं के खिलाफ मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से शिकायत की है। साथ ही इस मामले से जुड़े हर विभाग से आरिफ इराकी ने शिकायत की है, मगर इसके बावजूद मैंग्रोव नष्ट किए जा रहे हैं और रेती का काला कारोबार भी जारी है। रेती माफिया दिन हो या रात हो हमेशा यहां मैंग्रोव को नष्ट करने और रेती निकालने का काम चलाते रहते हैं। जो रास्ता चलने वाला भी व्यक्ति देखता है तो क्या किसी अधिकारी की इस काले कारोबार पर नज़र नहीं पड़ती? आखिर अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसा आरिफ इराकी का कहना है। रेती माफिया जो मैंग्रोव नष्ट कर रहे उसका मेरा रेगुलर कंप्लेंट चालू है। पिछले 2 साल से मैं दिल्ली से लेके यहाँ के हर डिपार्टमेंट को कंप्लेंट कर रहा हूँ। हर्षवर्धन जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है स्टेट ऑफ मतलब इंडिया का, उनसे लेके एनवायरमेंटल मिनिस्टर अपना महाराष्ट्र प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्लस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मरीन टाइम बोर्ड कलेक्टर इन सबको कंप्लेंट मेरा रेगुलर चालू है कि इल्लीगल रेती माफिया जो है वो मैंग्रोव को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद कभी एक्शन इनकी तरफ से होता नहीं है। हमारा कंप्लेंट जाने पे दिखावे की कार्रवाई की जाती है। अभी रिसेंटली मेरा 12-9 का एक कंप्लेंट है, ये मेरा 12-9 का एक कंप्लेंट है जिसके अंदर ये दिख रहा है कि मैंने कहाँ कहाँ कंप्लेंट किया हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है और प्लस उसके नीचे जो है पूरा सीसी है, सबको कंप्लेंट किया जा रहा है और वो भी फोटोज के साथ। ये फोटोज है जिसमें दिख रहा है कि इल्लीगल साइंड माइनिंग जो है वो मैंग्रोव को डिस्ट्रक कर रहे हैं और ये इल्लीगल साइंड माइनिंग की वजह से मुंब्रा का देसाई खाड़ी और चूहा पुल का ज़्यादातर मैंग्रोव ख़त्म हो गया है। आज के तारीख में मैंग्रोव का पट्टा जो है जो सर अपना देसाई खाड़ी चूहा पुल के पास जो सर्वे नंबर 107 है, अगर आप उनको मेजरमेंट करने बोलोगे तो 107 का पूरी जगह मिलेगी नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरा मैंग्रोव जड़ से उखाड़ दिए है और वो कोरल रिलीफ बन गया है। उधर सिर्फ तुमको नीचे चिकड़ मिलेगा, जगह इन लोग ने ख़त्म कर डाले। उसके बाद आप चले जाओगे क्रिक देसाई अपना मुंब्रा क्रिक की तरफ, उसमें सर्वे नंबर 13 सर्वे नंबर 12 सर्वे नंबर 14 ये सर्वे नंबर का जब सर्वे करोगे तो उधर भी पूरा मैंग्रोव ख़त्म कर दिया गया, उधर भी सिर्फ नीचे कीचड़ मिलेगा। तो हमारा ये बोलना है कि हर बार हम कंप्लेंट करेंगे तो ही ये कार्रवाई करेंगे। देसाई खाड़ी और चूहा पुल और मुंब्रा क्रिक आप रोड से जा रहे हो, रोड से जाते जाते दिखता है कि रेती माफिया का काम चालू है, मगर कोई भी अधिकारी उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। बाकायदा हमारी मीटिंग हुई थी, सब हुआ था, उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं करते। हमने किया ये कार्रवाई, उन्होंने 22 खड्डे भरे और कुछ 22 बरस रेती जमा किए, मगर खाड़ी के अंदर जो ड्रेजर चल रहे, खाड़ी के अंदर जो मैंग्रोव के करीब ड्रेजर लगे हुए, ये फोटो के अंदर आपको दिखेगा कि ये जो है ये खाड़ी के किनारे चूहा पुल के पास खाड़ी के किनारे मैंग्रोव के करीब है। ये नीचे से जड़ से रेती निकाल देते मैंग्रोव गिर जाता है, उन पे कार्रवाई एक भी नहीं करते। ये ऑफिसर और रेती माफिया की मिली भगत चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है, इसके पहले मेरा एक पीएल चल रहा हाईकोर्ट के अंदर, PL 54/2015, जिसके अंदर मैंग्रोव मुंब्रा और दीवा का मैंग्रोव बचाने के लिए स्पेसिफिक सर्वे नंबर्स को मैंने मेंशन करके दिया हूँ कि ये सर्वे नंबर्स के ऊपर मैंग्रोव का डिस्ट्रक्शन हुआ है और इसको रीजनरेट किया जाए।
अब कैसा है कि वो सर्वे नंबर्स को छोड़ के, उधर तो रीजनरेशन का ऑर्डर आने के बावजूद इन लोग रीजनरेशन कर रहे नहीं है, वो सर्वे नंबर्स को छोड़ के बाकी जो नए सर्वे नंबर्स है जहाँ अपना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं हाईकोर्ट के अंदर एडिशनल एफिडेविट करके वो नए सर्वे नंबर्स जो हो वो भी पुटअप करने के चक्कर में हूँ कि ये हमारे पुराने सर्वे नंबर है डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव हुआ है, उसको रीजनरेट और उनको रुकाने के बजाय ये नए सर्वे नंबर्स पे डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव हो रहा है और गवर्नमेंट उसको रुकाने में नाकामयाब हुई है, तो मैं हाईकोर्ट के अंदर अपना इसके एडिशनल एफिडेविट करके नए सर्वे नंबर्स करने के चक्कर में हूँ। आरिफ इराकी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मैंग्रोव को नष्ट करना, खाड़ी से रेती निकालना, ये अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, वरना कोर्ट के फैसले के बावजूद भी मैंग्रोव नष्ट किए जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह से रेती माफिया काला कारोबार कर रेती निकाल रहे हैं और मैंग्रोव को नष्ट कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो इराकी ने कहा कि मैं इस मामले को लेकर कोर्ट जाऊंगा क्योंकि हम मैंग्रोव को बचाना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या रेती माफियाओं पर कार्रवाई होती है या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।